मतलब तो मोस्ट एवेटेड फिल्म का नाम अगर आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे मुन्ना भाई 3, यानी कि संजय दत्त और अर्शद वारसी वाली। लेकिन मैं कहूंगा वन ऑफ द मोस्ट एवेटेड फिल्म संजय दत्त की मुन्ना भाई 3 नहीं, उससे भी ज्यादा मोस्ट एवेटेड फिल्म है हेरा फेरी 3। 2000 में आई थी हेरा फेरी और उसने कॉमेडी का एक ढंग ही बदल दिया। फिर 2006 में फिर हेरा फेरी आई थी और आपको बता दूं फिर हेरा फेरी के आसपास भी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों ने पसंद किया। दोनों ही फिल्म को लेकर अभी तक मीम्स बनते हैं। दोनों ही फिल्में टीवी पर जब भी आती है लोग देखते हैं, ऑनलाइन लोग भर भर के देखते हैं इस फिल्म को। एनीवेज बात करते हैं हेरा फेरी 3 के बारे में। हेरा फेरी 3 को लेकर हमें सिर्फ ऐसी ही न्यूज आती कि भाई कब बनेगी, क्या होगी, क्या होगा, कभी बन रही कभी नहीं। 2013 में स्टार्ट हुई थी शूटिंग, 2014 तक शूटिंग चली। जॉन अब्राहम अभिषेक बच्चन साथ में थे, फिर वो हट गए, फिर से एक नई टीम आई जहां पे अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी और परेश रावल रेडी हुए। फिर चीजें थोड़ी कुलबुलाहट होने लगी, यानी कि चालू होने लगी, फिर वापस से बंद हो गए, डब्बे में वापस से चालू हो गए, वापस से बंद हो गए, डायरेक्टर चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, स्टोरी चेंज हुई, यही सब चीजें इस फिल्म के साथ हो रही। तो हाल ही में सुनील शेट्टी से जब इस बारे में पूछा गया तो सुनील शेट्टी ने साफ कहा कि देखो भाई ये हेरा फेरी थी तो पक्का बनने वाली है, मैं मानता हूं कि ये फिल्म जो बनाने वाले हैं लोग उनकी यूनिट में थोड़ी डिफरेंसेस है, मतलब कुछ गड़बड़ है टीम यूनिट में तो इस फिल्म को प्रोड्यूस या बनाने वाली है, तो वो प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाएगा ना तो ये फिल्म पक्का बनने वाली, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसको लोग बहुत देखते टीवी पे बहुत बड़ी हिट है फिल्म और इसके मीम्स भी बहुत बनते हैं। तो एंटिसिपेशन जो लोगों में है या एक्साइटमेंट जो लोगों में है बाबू भैया को फिर से देखने का, श्याम को, राजू को देखने का, वो बहुत ज्यादा है। सो एनी हाउ ऑन ऑल सर्टेन रीजंस, क्या जो भी रीजंस आप सोच ले, लेकिन ये फिल्म पक्का बनने वाली है और जब भी आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन ये फिल्म पक्का बनने वाली है, जैसे भी होगा इस पर मैं अपडेट दूंगा, मुझे पता चला तो, ऐसा सुनील शेट्टी ने हाल फिलहाल में कहा। तो मेरे ख्याल से हम भी यही दुआ करेंगे कि सुनील शेट्टी के बातें जल्द से जल्द सच हो और लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमें एक बड़ी खबर मिले हेरा फेरी 3 को लेकर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये फिल्म किसी भी हाल में 2022 तक आ जाए। चलिए, बाय बाय।